राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा के साथ आज आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार, आपके लिए राधा अष्टमी, ठाकुर जी की प्रिय माँ राधा रानी जी के जन्म दिवस के कुछ अचूक और सटीक उपाय आपके लिए लेकर आई है, जो आपकी जिंदगी में हर परेशानी को दूर करेंगे, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। इसी आशा के साथ उठा लीजिए पेनों को अपनी और लिख लीजिए माँ राधा रानी जी के जन्म दिवस पर कहे जाने वाले कुछ ऐसे ही अचूक और सटीक उपाय, जिससे आपकी जिंदगी की हर परेशानी होगी दूर। पहला माँ उपाय, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, व्यापार से तरक्की नहीं हो रही या व्यापार में किसी तरह की भी कोई परेशानी आपको हो रही है, तो आप क्या करना है, आपको मात्र छोटा सा उपाय, वो बहुत ही सटीक और असरदार उपाय है ये। सुबह राधा अष्टमी के दिन स्नान वगैरह करके आप खीर का प्रसाद बनाइए। जी हाँ, खीर जो मेरे ठाकुर जी की बहुत प्रिय है, उमा राधा रानी जी को भी बहुत प्रिय है। पर उस खीर में आपने क्या करना है, चावल की खीर बनाइए, उसमें आपको शहद और मिश्री डालनी है। ध्यान से, इसमें आपको गुड़, शक्कर, चीनी वगैरह नहीं डालनी, सिर्फ शहद और मिश्री डालनी है, उससे आपको ये प्रसाद बनाना है। और इसमें जब आप यह प्रसाद बना लें, उसमें तुलसी का पत्ता रखकर माँ राधा रानी को भोग लगाइए, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाइए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी के जितनी भी आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी, किसी तरह की भी कारोबारी कोई परेशानी है, घर में कोई परेशानी, किसी तरह की भी, वो आपकी छूमंतर हो जाएगी। बस इतना सही उपाय करना है और भोग लगा के पूरे परिवार में एक साथ बैठ कर इस प्रसाद को खाना है। आपके घर में अगर ग्रह क्लेश है, किसी तरह की अशांति रहती है, आपस में मन मुटाव रहता है, या इकट्ठे बैठते हैं, छोटे छोटे बातों पे आपस में झगड़ा हो जाता है, तो इससे ये भी दूर होगा। कर लीजिए ये उपाय और बना लीजिए अपनी बिगड़ी किस्मत माँ राधा रानी के आशीर्वाद से खुशहाल जिंदगी। दूसरा महा उपाय, अगर आपके घर में स्थायी रूप से पैसा आता है, हर चीज, मतलब की कोई कमी नहीं है पैसे की, पर वो पैसा टिकता नहीं है, या आपका पैसा आता तो बहुत है पर वो आपका व्यय बहुत हो जाता है, जैसे परेशानी अस्पतालों में, दवाइयों पर, या कोई फजूल खर्ची कहीं भी, जैसे सही जगह ना लग पा के कुछ ऐसी जगह पे लग जाता है जहाँ पे आप नहीं चाहने के बाद भी आपका पैसा खर्च हो जाता है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। आपको क्या करना है, राधा अष्टमी से यही ये आपको उपाय स्टार्ट करना है। ओम ह्रीम राधिकाय नमः, एक बार फिर मैं आपको ये मंत्र सुना रही हूँ और स्क्रीन पर ही आपको ये मंत्र देख सकते हैं, अगर आपको कोई गलती ना हो, ताकि आप मंत्र को अच्छी तरह से पढ़कर याद करके बोल सकें, इस मंत्र का जाप कर सकें। एक बार फिर सुन लीजिए, ओम ह्रीम राधिकाय नमः। इस मंत्र का 1,25,000 जाप करना है। आप राधा अष्टमी वाले दिन से ही अगर आप ये स्टार्ट करते हैं, और 1,25,000 आपको इसका जाप करना है रोज की, अगर एक माला आप इसका जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको जब ये 1,25,000 जाप हो जाए, तो आपको खीर का प्रसाद बनाकर माँ राधा रानी को ये भोग लगाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। उसके बाद जब भी आप अपने कार्यस्थल पर, व्यवसाय में, ऑफिस में, जहाँ भी आपका पैसे रखने की जगह है, आप बैठते हैं वहाँ पर, इस मंत्र का आपको जाप करना है सिर्फ 11 बार। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी की जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और कभी भी आपको पैसे की तंगी नहीं रहेगी, कहीं से भी आपको अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी आपका नहीं होगा। बस इतना सा ही उपाय है, पर आपको मैं हर बार अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप कुछ भी करेंगे, अगर बिना श्रद्धा के करेंगे, मन में अगर आपको जरा सी भी शंका होगी कि हाँ चलो ये उपाय हम कर लेते हैं, तो उसका फल आपको कितना भी आप उपाय कर लीजिए कभी नहीं मिलेगा। ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है कि मैं आपको हर बार कुछ अनोखा, कुछ अलग, कुछ सटीक उपाय लेकर आती हूँ, ताकि मैं यही तमन्ना है कि आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, खुशहाल ज़िंदगी रहे,
कोई भी परेशानी है वो मैं ठाकुर जी की कृपा से आपकी दूर होती रहे। तीसरा उपाय, अगर आपकी जिंदगी में ग्रह क्लेश खत्म नहीं हो रहा, छोटी छोटी बातों में हस्बैंड वाइफ में प्यार की कमी हो रही है या दाम्पत्य जीवन खुशियों से वंचित है या किसी तरह की भी आपके घर में नेगेटिविटी आपको महसूस होती है कि किसी ने कुछ कर दिया या नजर लग गई है, तो आपको क्या करना है, राधाष्टमी वाले दिन आपको ठाकुर जी के मंदिर में जाके, अगर आपने ठाकुर जी का स्वरूप अपने मंदिर में, आपके घर के मंदिर में है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाके जहाँ राधा रानी ठाकुर जी का स्वरूप हो, विग्रह हो उनका, वहाँ पे जाके आपको पूरा श्रृंगार का सामान माँ राधा रानी जी को अर्पित करना है और मोरपंख और बांसुरी मेरे ठाकुर जी को अर्पित करनी है। और जब आप ये अर्पित करें तो दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे दोनों अपने हाथों से जब ये आप उनको अर्पित कर रहे हो तो आपके मन में जो भी आपकी परेशानी है उसका आपको स्मरण करते रहना है कि जैसे अगर हमारे आपस में प्यार नहीं है तो प्यार बनाओ, हमारे आपस में मन मुटाव है या छोटी बातों से क्लेश होता है या किसी की नज़र लग गई हमारे रिश्ते को या किसी तरह की भी आपकी कोई परेशानी है या आप दोनों में तो प्यार है पर घर में तनाव रहता है, घर में किसी तरह की कोई परेशानी रहती है, तो उसको भी आप उनको इस तरह से बोलना कि आप जिस तरह से अपने माता पिता को अपना दुख बताते हैं उस तरह से उनके आपने आगे अपना दुख बोलना है। इस तरह से आपको राधा अष्टमी की सुबह को यह उपाय करना है। उपाय करने के बाद आपको घर आकर मिश्री का भोग, अगर वहां पे जाके आप जाते हैं साथ में मिश्री ले जाइए, मिश्री का भोग लगा के अपना घर लेकर आइए वो प्रसाद, और पूरा परिवार आपस में ये बांटकर खाइए। बस इतना सा ही ये छोटा सा उपाय है, जिंदगी की तमाम खुशियां आपके घर में ठाकुर जी की कृपा से दस्तक देंगी और आपकी जिंदगी के हर कष्ट को दूर कर देंगी। अब इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे आज्ञा लेती है, और आप जैसे जानते ही हैं कि मैं आपके लिए भाग्यांक का सीरीज शुरू कर चुकी हूँ, पर कुछ वजह से मैं वो आपको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, पर नेक्स्ट वीडियो मेरी भाग्यांक पर ही होगी, भाग्यांक थीम के बारे में, वो आप देखना मत भूलिएगा। और मेरे इस चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर कोई मेरी इस वीडियो का देखकर, इन उपायों को देखकर इनका लाभ उठा सके, ताकि आपके थ्रू आपके जरिए दूसरों की जिंदगियों में भी खुशियाँ आए और उनकी दुआ आपको भी मिले और मुझे भी मिले, यही मेरी आशा है। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे विदा लेती है। राधे राधे।